नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शराफत रज़ा है और मैं जब जोहर की नमाज में आया नमाज पढ़ने के लिए तो मैंने मिंबर पर एक पर्चा रखा हुआ देखा और उस पर्चे को जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इस मस्जिद में बम रखा है और इस बात को हल्के में ना लें, शहर की और मस्जिदों में भी बम हम लोग लगा सकते हैं, इस तरीके की बात उसमें लिखी हुई थी। उस पर्चे को हमने अपने मस्जिद के जो कमेटी के मेंबरान हैं उनको दिखाया और इसके बाद हम लोग पुलिस लाइन गए और पुलिस लाइन जाने के बाद हम लोगों ने TI साहब को ये दिया और बताया कि सर ऐसी ऐसी ये घटना, ये पर्चा हमें रखा हुआ मिला है। तो पुनः TI साहब ने एक टीम का गठित किया, खुद TI साहब आए और BD की भी टीम आई, सर्चिंग ऑपरेशन चालू रहा। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिला, अंदर मस्जिद की भी चेकिंग हुई, बाहर भी हुई, अगल बगल वालों से भी हुई, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला है। और अभी पुलिस की विवेचना चालू है और TI साहब ने, CSP साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि अभी इसके आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और जैसे ही जो कुछ भी पता चलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि ये धर्म स्थल हैं और हमारे शहर छतरपुर में बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्च हैं, सब हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी इबादत करते हैं। ये पहली मर्तबा ऐसी घटना घटी है, ये किसी असामाजिक तत्व का भी हाथ हो सकता है, किसी संगठन का भी हाथ हो सकता है जिससे शहर का माहौल ख़राब हो। और हमारे मस्जिद के दरवाज़े हमेशा बंद रहते हैं और बंद रहने के बाद भी उस व्यक्ति ने अंदर जा कर के ये पर्चा रखा। इससे हाँ फजर में ये पर्चा नहीं था, ये पर्चा हमको जोहर की नमाज में मिला। पूरे महल्ले में दहशत है, नमाजी डरे हुए हैं, हम खुद डरे हुए हैं। किस जगह रखा था ये पर्चा? ये मेंबर पर पर्चा रखा हुआ था। तो लिहाजा मेरी प्रशासन से मांग है, आपके चैनल से, कि जिसने भी इस तरीके की हरकत की है और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना चाहते हैं, शहर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि हमारे शहर का माहौल ख़राब ना होने पाए। अब नमाज अदा कहाँ पर की जाएगी? अब नमाज अभी CSP साहब बोल गए हैं, अभी 24 घंटे चूँकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो अभी नमाज बाहर पढ़ेंगे 24 घंटे, इसके बाद फिर हम लोग पर्चा दिखा सकते हैं। वो पर्चा जमा कर लिया पुलिस ने, जमा कर लिया वो पर्चा, वो लेटर TI साहब ने वगैरह आपके पास उसकी कुछ ले लिया है? हाँ ठीक, फोटो कॉपी है, लेटर दिखा दूँ क्या लिखा है? ये लेटर है, ये हमारा लेटर है जिसमें ये धमकी दी गई है। जो मस्जिद में बम रखा है जो बात को हल्के में ना लियो, कौन मस्जिद में बम रखो है, बम रखो है जो बात सही है, जो बात सही है, इतना ही बस लिखा है ना? हाँ, यही लिखा है, ये पर्चा आया है। आपको कितने बजे मिला है ये? हमको मिला है तकरीबन 1:15 बजे दोपहर में, जिस समय जो हम नमाज पढ़ने